Hello children, today we are going to learn about birds. The name of the lesson is Birds and Their Food. First of all, children, you see many birds near you. Birds are the most beautiful animals. We all enjoy looking at them. Many of us have seen peacock, parrot. Small children love parrots. And we have also seen that birds have different kinds of beautiful colored feathers. An important thing about the bird is the most of them can fly. In this lesson, we know that why do birds fly and how they can fly. And it is a very interesting question also. Let us see. What makes a bird fly? Birds can fly in the air. They can stay in the air for a long time. Birds have very light body. पक्षियाँ आकाश में उड़ सकती हैं, हवा में रुक सकती हैं, क्योंकि बच्चों इनका जो बॉडी होता है बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है. A bird's body consists of head, trunk, wings, legs and tails. All these parts are very light. इनके उड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका जो बॉडी होता है बहुत ही हॉलो होता है और हल्का होता है. The body of the birds is made of strong framework bones. These bones are hollow and filled with air. This makes them light but strong. Okay children, now we know what are the body parts of birds. You can see here a picture is on your screen. Birds have many parts: tails, legs, flight feathers, beaks, eye, head, etc. A bird has a boat-shaped body. This shape helps them to float in the air easily. The bird has wings in the place of forearms. जिस प्रकार से हमारे पास हाथ होते हैं और पैर होते हैं, ठीक वैसे ही पक्षियों के पास forearms के जगह पे wings होते हैं और जिसमें बहुत सारे feathers लगे होते हैं. तो बेटा wings और feathers में difference ये है कि फेदर जो होता है उनकी बॉडी पे जो पंख होते हैं, जो उनके बॉडी को कवर करते हैं, उनको हम कहते हैं फेदर्स. और जो विंग्स जो व्रैप करके वो ऊपर नीचे करते हैं और उड़ने में सहायक होते हैं, उसे हम कहते हैं विंग्स. ए बर्ड आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग मसल्स विच मूव द विंग्स अप एंड डाउन. दीज मसल्स अटैच द विंग्स टू द ब्रेस्ट बोन. इनके जो विंग्स होते हैं इनके ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं, होने के कारण ये आसानी से अपने पंखों को ऊपर नीचे करके हवा में उड़ सकते हैं. नाउ वी नो द बर्ड्स हैव टू टाइप्स ऑफ फेदर्स. ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स. दे आर डिफरेंट कलर इन डिफरेंट बर्ड्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ फेदर. पक्षियों के पास दो प्रकार के पंख होते हैं. सम फेदर्स कवर द बॉडी एंड कीप इट वॉर्म. दिस इज कॉल्ड डाउन फेदर. ऐसे पंख जो उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं, उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए होता है, ऐसे फेदर्स को डाउन फेदर कहते हैं. और ऐसे फेदर्स, सम फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट. दे रिमेन अटैच टू द विंग्स एंड द टेल. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. तो बेटा वंस अगेन आई विल रिपीट इट. द फेदर दैट इज यूज फॉर कवरिंग देयर बॉडी इज कॉल्ड डाउन फेदर्स एंड द फेदर्स दैट इज यूज फॉर फ्लाइंग इज कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर्स डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर.